जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों मैं बताने वाला इस वीडियो में, दोस्तों यदि आप पीएम किसान का पैसा पा रहे हैं, यदि आपको किसी भी प्रकार का समस्या होती है तो आप अपना समस्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मैं दो नंबर दूंगा, उस नंबर से दोस्तों आपको कॉल करना है। कॉल करके जो अपना समस्या है, जो भी समस्या है, आप अपना समस्या बता सकते हैं। किसी भी प्रकार का समस्या है उस नंबर से कॉल करके आप बता सकते हैं कि मेरा सर यही समस्या है। यानी आपको किसी भी प्रकार का समस्या है तो आप उस दोनों नंबर से बात करके अपना जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आप लोगों का अधिक समय नहीं लेंगे तो चलते हैं, दिखाते हैं। इसकी आप सेल वेबसाइट पे आ गया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से दिखाता हूँ। तो ये देखिए दिया है, ये देखिए सबसे ऊपर है, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर, जी हाँ दोस्तों यही नंबर है। इसी नंबर से दोस्तों आप जैसे ही कॉल करेंगे आपका नंबर लगेगा, उसके बाद अपना जो है समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या होती है आपके पीएम किसान से रिलेटेड, तो आप अपना समस्या बता सकते हैं और आपका समस्या भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं दूसरा नंबर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको इस पर कॉल करना है, यदि नहीं लगता है तो दूसरा वाला नंबर देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ से निकालना है, तो मैं यहाँ से निकाल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे आप, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यही नंबर है, पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर, एक नंबर ये है। इस नंबर से भी आप अपना कॉल करके अपना समस्या बता सकती हैं, जो भी समस्या है, जो भी दिक्कतें आती हैं आपकी पीएम किसान से रिलेटेड, यदि आपका पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं अपडेट हो रहा है, जो भी समस्या है आप इस नंबर से कॉल करके अपना समस्या बता सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है वहां से आपको पता चल जाएगा कि मेरा समस्या किस लिए आ रहा है और क्यों आ रहा है, तो आपको सब कुछ वहां से डिटेल पता चल जाएगा इस नंबर से कॉल करने पे। तो भाई इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया था ताकि आप लोग जिनका भी दिक्कतें परेशानी हो रही है किसी भी प्रकार का, तो आप लोग इस नंबर से कॉल करके अपना जो है बात करके जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।